दोस्तों आज हम ये क्रैबट्री की रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और आपको दिखाऊंगा कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। तो ये देखिए, ये है दोस्तों इसका स्विच। इस पर एक पे चार लाइटें ऑपरेट हो सकती हैं। पीछे इस पर पूरा डिटेल दिया गया है, ये देखिए सीरियल नंबर वगैरह। और ये ऐसे इसमें फिट होगी। अब आप देखिए ऐसे, और ये ऐसे, ये दोनों हमने इसमें लगा लिए हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके कनेक्शन कैसे। तो ये देखिए, पहले इसमें फेस लगा देंगे एक पे। इसमें सारा मेंशन किया गया है, ऊपर देखेंगे ना, न्यूट्रल फेस सब लिखा हुआ है। ये इसमें भी फेस देंगे हम। ये फैन का है एक, और एक लाइटों का है। तो ये देखिए, पहले इसमें दोनों में हमें फेस डाल दिया है। अब हम इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। दोनों स्विच में न्यूट्रल लगेगा। न्यूट्रल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले है, जो हमें नंबर वगैरह दिखाती है, वो न्यूट्रल फेस पे चलती है, इसके स्विच के अंदर की लाइट। इसलिए इसमें भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना ही पड़ेगा। एक स्विच पे चार लाइटें चलती हैं दोस्तों, और फैन पे सिर्फ एक फ़ैन चले। अब यही न्यूट्रल हम लूप करके लाइट वाले में दे देते हैं। ये देखिए, लाइट वाले में चार ऊपर जो ये टर्मिनल हैं चार लाइटों के, ये फैन वाला है। ये फैन का न्यूट्रल और फेस लग गया, और इसमें से फैन की आउटपुट चली जाएगी सेंटर वाले से। ये देखिए, फैन वाले में सिर्फ तीन टर्मिनल हैं, जिसमें एक न्यूट्रल, एक फेस और एक आउटपुट। और जो स्विच वाला, उसमें छः टर्मिनल हैं, दो नीचे, नीचे वाले न्यूट्रल और फेस, और ऊपर वाले आउटपुट हैं लाइटों के लिए। अब इसमें हमने न्यूट्रल फेस लगा दिए हैं दोनों स्विच के अंदर। हैवेल्स कंपनी का है ये क्रैबट्री। ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर दोस्तों हम नॉर्मल वाली शीट लगाते हैं, छः मॉड्यूल की लगानी पड़ती है, जिसमें चार लाइटों के स्विच लगते हैं, एक पंखे का स्विच लगता है और एक रेगुलेटर। लेकिन इसमें जो ये पंखे वाला स्विच है, इसमें रेगुलेटर भी है और ये स्विच भी है। और एक ही स्विच से जो लाइट वाला, उससे चार लाइटें जल जाती हैं। तो ये पाँच तीन की, यानी कि जो चार मॉड्यूल की प्लेट आती है, उसी में काम हो जाता है। ये देखिए, हमने फ़ैन का इसमें लगा दिया है, और ये हम लाइटें लगा लगा के अब देख रहे हैं। ये देखिए, ऐसे टच करने से जलेगा। ये जल गई लाइट, ये देखिए, ये कौन से स्विच पे आपको कौन सी लाइट चाहिए, उसका आप एक बार ऐसे टच करके देख लेंगे, और इस तरह से आप इसका कनेक्शन कर। तो ये देखिए, हम लाइटों के कनेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए, दूसरी लाइट जल गई है, सीलिंग लाइट का है ये। ये देखिए, ये एक इस वाली का है। अब आपको जोन सी पे इसको करना है, उस पर आप कर सकते हैं कनेक्शन। दोस्तों इसका हमेशा हम अच्छे से टाइट करें, ताकि स्पार्किंग वगैरह का चांस ना रहे। अब इसमें हमें दो लाइट का और करना है, जिसमें एक सीलिंग लाइट और एक बाहर बालकनी की लाइट है। अब ये हम लास्ट लाइट का इसमें कनेक्शन डाल रहे हैं। अब इसको हम कर देते हैं पैक। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको कर देते हैं टाइट वाटर लेवल में। अब हम लगा देते हैं इसका कवर। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। अगर फ़ैन चलाना है तो हमें यहाँ फ़ैन का जो लोगो, इस पर क्लिक करना है। अब हमारा फ़ैन ऑन हो गया, और यहाँ से इसकी स्पीड को कम और राइट साइड से इसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लाइट्स का है, ये देखिए, इन पर आप टच करेंगे तो ये लाइटें ऑन हो जाएंगी इस तरह से। ये दोस्तों इसका रिमोट है, ये देखिए। ये 16 लाइटों की प्लेट आती है, उस हिसाब से है ये यूनिवर्सल रिमोट आता है। 16 लाइटें इस पर कंट्रोल हो जाती हैं, और दो फैंस, ये इसके ऑप्शंस है। ये क्लिक करेंगे सब ऑन हो जाएंगी, ये देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और इसको क्लिक करेंगे, सारी लाइट्स फैन सब ऑफ हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, ये टॉर्च है इसमें नाइट के लिए, और ये वाली कुछ सीन्स हैं जिसमें अलग अलग पैटर्न में लाइटें जलती हैं, वो भी आपको जला के दिखाऊंगा। इसमें दो AAA साइज़ की बैटरी डलती है यहाँ पे। तो ये देखिए, इस पर दो फैन और 16 लाइटें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह ये देखिए, फर्स्ट लाइट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी इसमें चार का है, तो ये चार अभी ऑपरेट हो रही हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, अभी ये जल गई है। और ये फ़ैन का है, ये देखिए स्पीड। मैं यहाँ से रिमोट से इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ये हो रहा है।
सेंटर में दबाएंगे बंद हो जाएगा और सेंटर में दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा और यहाँ से स्पीड इसकी कंट्रोल हो जाएगी। अब मैं आपको ये जो सीन वाला है ये अभी आपको करके दिखाता हूँ ये क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, अब इस कमरे में जो तीन लाइट और एक फ़ैन है ये आपको तीनों नज़र आ रही होंगी। अब मैं रिमोट से आपको देखिए जो सीन वाले हैं ये क्लिक करके दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे पहला अगर मैं दबाता हूँ तो ये देखिए खाली एक लाइट जली रह गई और फ़ैन बंद हो गया और बाकी दो लाइट भी बंद हो गई। सेकंड नंबर दबाता हूँ तो वो एक लाइट और जलती है। थर्ड वाले में इधर वाली लाइट जल गई। फोर्थ में वो लाइट और फैन। इस तरह से ये अलग अलग आप सेट कर सकते हैं। देखिए इसमें पंखा भी बीच बीच में कंट्रोल हो रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए अलग अलग पैटर्न में जलती हैं। अब ये जल गई है, ये जल गई है। फर्स्ट पे ये है खाली आपकी लाइट। इस तरह से देखिए अलग अलग ऑपरेट होते हैं। और ऑल ऑन करूँगा तो सारी ऑन हो गई है, ऑल ऑफ़ करूँगा सारी ऑफ हो गई है, ये देखिए। और सीन का आपको दिखाई दिया है, ये अलग अलग जो आप दबाएंगे उसमें लाइट अलग अलग पैटर्न में जलती है, ये देखिए। इस तो ये इसका रिमोट है और ये इसकी स्विच प्लेट है। ये 16 लाइटों का भी आता है जिसमें 16 लाइटों का इसमें देखिए रिमोट में भी दे रखा है, 16 लाइटें आप कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ये जो स्विच है ये 3000 का और 3000 का ये रेगुलेटर और कम स्विच है ये पंखे के लिए। और ये वाली जो प्लेट है इसकी ये आती है 200 के आसपास और रिमोट का प्राइस है 4000 के आसपास अलग से। तो दोस्तों ये था वीडियो इस क्रैबट्री के इलेक्ट्रिक और टच स्क्रीन वाले स्विच बोर्ड का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को देखते रहिए।